गुणातीतो अक्षरं ब्रह्मा भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। प्रथम तो भगवान स्वामीनारायण के चरण में वंदन करते हुए हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरण में वंदन साथ आज के इस समारोह में, ये रीजनल कॉन्फ्रेंस में, स्पेशली आपके चेयरपर्सन हैं चापलोत जी और सब लायन आगेवान जो मंच पे विराजमान हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं राजेंद्र जी, जिनकी वजह से आज यहाँ आना हुआ, मिलना हुआ, और कहीं परिचित बैठे हैं, पिछली एक दो कॉन्फ्रेंस में हम मिले थे, और यहाँ पधारे हुए आप सब लायन क्लब के मेंबर्स, आप सबको मेरे प्रणाम, गुड इवनिंग एंड जय स्वामीनारायण। जैसे प्रवक्ता ने बताया कि सबसे बड़ी बात जीवन में ये है कि वी लीव अ डिग्निफाइड लाइफ टूवर्ड्स बेटर लिविंग, एक बेहतरीन जीवन की ओर। आई थिंक ऑल ऑफ अस, इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन that if at the end of your life, if you are asked to choose between money and total satisfaction in life, aap kya choose karenge? Total satisfaction in life, ki jeevan mein ek purna santosh ho aur aap ant samay mein apni chhati pe haath rakh ke itna bol sake ki yes I lived my life, मुझे भगवान ने 70-80 साल दिए थे और मैंने वो जीवन एक बेहतरीन तरीके से जिया, आई लिव्ड माई लाइफ। वो जो सेटिस्फैक्शन उस वक्त मिले, उसके लिए पूरे जीवन तक कहीं प्रकार के अच्छे विचार, कहीं प्रकार की अच्छी प्रवृत्तियां जरूरी है। आज 21वीं सदी में आप समाज की वास्तविक परिस्थिति देखते हो। एक छोटा सा वर्णन था द 21st Century Man, 21st Century Times का, कि दिस आर द टाइम्स ऑफ फैंसियर हाउसेस बट ब्रोकन होम्स। आज मकान बहुत अच्छे बने हैं लेकिन घर टूटते जा रहे हैं। दिस आर द टाइम्स ऑफ डबल इनकम्स एंड मोर डिवोर्सेस। घर में आज इनकम डबल हो गई, पति पत्नी दोनों कमाते हैं लेकिन डिवोर्स के रेट्स भी बढ़ गए। दिस आर द टाइम्स ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड लो राइज कैरेक्टर्स। मकान ऊंचे बने, चारित्र निम्न होते गए और निम्न चारित्र वाले भी परिस्थितियां ऐसी आती है कि समाज में छूट जाते हैं, जश्न मना लेते हैं, कल जो हुआ परसों जो हुआ, बहुत बड़े केस में 1.5-2 लाख करोड़ के केस में भी लोग छूट जाते हैं। तो दिस आर द टाइम्स ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड लो राइज कैरेक्टर्स। दिस आर द टाइम्स ऑफ ब्रॉडर हाईवेज एंड नैरोअर व्यू पॉइंट्स। हाईवे आज चौड़े होते जा रहे हैं और हमारे दृष्टिकोण बहुत संकुचित होते जा रहे हैं। दिस आर द टाइम्स वेयर मैन हैज गॉन ऑल द वे टू द मून एंड हैज कम बैक but he finds it difficult to cross the road and meet the new neighbor. Chandra pe jaake wapas aaye, Gurudwakarshan ke paar hoke wapas aaye,
लेकिन पड़ोस में कोई नया व्यक्ति रहने के लिए आए, लिफ्ट में, फ्लैट में, 6 महीने तक मिलता है तो भी उसका नाम पूछने की तस्दी भी नहीं लेते. दिस आर द टाइम्स वेयर वी हैव ब्रोकन द एटम एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक अ प्रेजुडाइज. एटम को तोड़ा, शक्ति पैदा की, लेकिन प्रेजुडाइज, पूर्वग्रह को तोड़ना वो बहुत कठिन है. लिस्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी है, शॉर्ट में ये बात बताते हैं कि दिस आर द टाइम्स वेयर वी हैव मच टू शो इन द शो विंडो एंड नथिंग इन द स्टॉक रूम. दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे मन में पवित्र भावना, शुभ विचार बहुत कम होते जा रहे हैं. इसलिए अगर आपके सामने अगर मैं स्टेटमेंट रखूं, आप जरूर मेरे साथ ये स्वीकार करेंगे कि आज हमारे पास जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है समाज में, जो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आज से पहले मनुष्य के पास कभी नहीं थी. हाँ या ना? वी हैव द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, द बेस्ट सिस्टम, द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, येट अवर ह्यूमैनिटी इज अ डिजीज्ड वन. येट हमारी जो नैतिकता है, प्रामाणिकता है, मानवता है, उसमें दिन प्रतिदिन ऐब आ रही है, इसमें दिन प्रतिदिन निम्नता आ रही है. अनपढ़ लोगों ने जितना नुकसान समाज में किया है, दुनिया में किया है, उससे 100 गुना, 1000 गुना, 1,00,000 गुना नुकसान पढ़े लिखे ने किया है. हाँ या ना? क्योंकि अनपढ़ चोरी करता है 5,000, 10,000, 50,000 की करता है, पढ़ा लिखा आदमी चोरी करता है तब 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की करता है और छूट भी जाता है. तो ये समाज की एक वास्तविक परिस्थिति है. अमेरिका के प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन, वे कई बार कहते थे कि मैनकाइंड इज इन नीड ऑफ समथिंग मोर मॉरल, मैनकाइंड इज इन नीड ऑफ समथिंग मोर स्पिरिचुअल. थोड़ी ज्यादा नैतिकता, थोड़ी ज्यादा आध्यात्मिकता की मानवता को जरूरत है. इसलिए तो हम लोग यहां एनजीओ में सेवा प्रवृत्ति श्रद्धा से करते हैं. हमारे प्रेसिडेंट थे एक बार के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक बार बहुत अच्छा मनन उन्होंने दिया था कि मैन हैज लर्न टू स्विम लाइक फिश इन वाटर, ही हैज लर्न टू फ्लाई लाइक अ बर्ड इन एयर, बट ही हैज नॉट लर्न टू वॉक लाइक अ सैन ह्यूमन बीइंग अपॉन दिस अर्थ. ये मनन उन्होंने दिया था. इसलिए आज हमने रेफ्रिजरेटर अच्छे बनाए, कंप्यूटर्स अच्छे बनाए, लेकिन गाइडेड मिसाइल्स भी अच्छी बनाई, लेकिन मानव मिसगाइडेड रहा. सो दिस इज द एज ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड मैन. तो ये एक समाज की वास्तविक परिस्थिति है. आपको जान के ताजुब, आई विल शेयर सम स्टैटिस्टिक्स विथ यू. रोज 1,000 आदमी डोमेस्टिक गन्स से मरते हैं, मिलिट्री गन्स या टेररिस्ट गन्स से नहीं, हाँ, डोमेस्टिक गन्स से. हर महीने वेस्टर्न कंट्री में एक प्रसंग बनता है कि छोटा बच्चा गन लेके स्कूल में जाता है और स्कूल्स में शूटआउट्स होती हैं. यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट 90% ऑफ अमेरिकन स्कूल्स दे हैव मेटल डिटेक्टर्स. बच्चे को मेटल डिटेक्टर में से रोज पसार करते हैं. 90% ऑफ अमेरिकन स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स. परिस्थितियां आज, इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत है क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को ज्ञान में परिवर्तित करना वो बहुत कम प्रतिशत में हुआ है, और उस ज्ञान को विजडम में परिवर्तित करना वो तो शायद ही हुआ है. द बेसिक फंडामेंटल ऑफ टूवर्ड्स बेटर लिविंग इज टू चेंज योर इंफॉर्मेशन इंटू नॉलेज एंड देयर आफ्टर ट्रांसफॉर्म योर नॉलेज इंटू विजडम. तभी आप towards better living, एक बेहतरीन जीवन की ओर जा सकते हैं. वरना तो पृथ्वी पे कुत्ते, गधे, बिल्ली, ये भी जीते हैं, जीवन पूरा करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, खाते पीते हैं, शिकार कर लेते हैं, खाना ढूंढ लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे बड़े करते हैं, और आपको शहर में दो बच्चे
पाल के बड़े करना, वो जंगल में चीते के लिए 2-3 बच्चे बड़े करना, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये तो सब पशु पक्षी भी करते हैं, सिर्फ इतना ही जीवन में किया तो ये मनुष्य जीवन पूर्ण नहीं है। जीवन में मानवता आई, नैतिकता आई, आध्यात्मिकता आई, तो ही वो जीवन पूर्ण बनता है, तो ही टुवर्ड्स बेटर लिविंग बनता है, वरना तो ये 70-80 साल का खेल है। रोज पृथ्वी पे से 1.5 लाख लोग चले जाते हैं, 24 घंटे में 1.5 लाख लोग चले जाते हैं, 86,200 सेकंड का 24 घंटा बनता है, तो 86,200 सेकंड में 1.5 लाख लोग इस पृथ्वी पे से चले जाते हैं, मीन्स एवरी 2 सेकंड्स 3 पीपल लीव दिस अर्थ। ये प्रवचन हमने शुरू किया, 10 मिनट हुई, 600 सेकंड हुए, 900 लोग चले गए। अगर भगवान की इच्छा हुई और पूरा फोकस सूरत पे रखा तो तो 15 दिन में बारी आ जाएगी। 1.5 लाख लोग चले जाते, तो सिर्फ खाया पिया, आनंद किया, परिवार का ध्यान रखा, नौकरी धंधा किया, बच्चे पैदा किए, बच्चे को बड़े किए, पालन किया और उनको ठीक लाइन पे चढ़ाया, हम संतोष मान लेते हैं कि जीवन अच्छा चला, ठीक जीवन जिया। और कई बार हमको भी लोग कहते हैं, स्वामी लाइफ इज वंडरफुल, हम पूछते हैं कि वंडरफुल में क्या क्या चीज़ आती है, तो यही चीज़ गिनाते हैं। इतने में हम सीमित हो जाते हैं, इसलिए पूर्ण तरीके से जो विकास मनुष्य का होना चाहिए वो नहीं होता है। टूवर्ड्स बेटर लिविंग की मुख्य बात यह है कि जस्ट डोंट लीव एन एनिमल लाइफ, लीव अ कंप्लीट ह्यूमन लाइफ। इतना किया तो सिर्फ पशु जीवन है, टूवर्ड्स बेटर लिविंग इज समथिंग डिफरेंट। तो सबसे पहली बात टूवर्ड्स बेटर लिविंग में ये आती है, हम कई बार हमारे सेमिनार्स में सिखाते हैं, When I talk to corporates, I give them a very special package, जो मैंने बहुत पढ़न के बाद, अनुभव के बाद और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के अमृत अनुभव से सीखा है कि यू शुड फॉलो द 8+8+8 सिस्टम। आपके पास 24 घंटे हैं, वो 8, 8, 8 तीन फेज में आप बांट दो। पहले 8 घंटा है वो आपके कार्य में, आपके प्रोफेशन में, आप नैतिक प्रामाणिक पुरुषार्थ करके अपना प्रोफेशन चलाए, दैट इज योर फर्स्ट 8 आवर्स। सेकेंड 8 आवर्स इज स्लीप और रेस्ट, लेकिन जो थर्ड 8 आवर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दैट थर्ड 8 आवर्स इधर यू विन योर लाइफ और यू लूज योर लाइफ। जो तीसरे 8 घंटे हैं उसमें हम सिखाते हैं, 3 H है और 3 F है। 3 H है वो हेल्थ, हाइजीन, हॉबी। 3 F है वो फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। आई रिपीट, थर्ड 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेर यू लूज योर लाइफ और यू विन योर लाइफ, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पेंड दैट थर्ड 8 आवर्स। उसमें 3 F और 3 H है, फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी। अगर 8+8+8 सिस्टम ने आपने अच्छी तरह से दिन बिताया, मतलब जीवन अच्छी तरह से बिताया, तो यू विल लीव अ सेटिस्फाइड लाइफ, अ कंटेंटेड लाइफ, अ प्रॉस्परस लाइफ, एंड यस यू कैन से आई लिव्ड माय लाइफ, दैट इज बेटर लिविंग। तो इसके लिए थोड़ी ये टिप्स है। द फर्स्ट 8 आवर्स इज योर ऑनेस्ट एथिकल हार्डवर्क। आप जो भी व्यवसाय में है, आप प्रामाणिक नैतिक पुरुषार्थ करें। आपने अच्छा पुरुषार्थ किया, आपका धंधा अच्छा बढ़ाया, लेकिन अगर नैतिकता में, प्रामाणिकता में कोई प्रश्न आया, इफ यू लीव असाइड एथिक्स, देन यू विल हैव टू पे समडे फॉर इट। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रामाणिकता, नैतिकता में, डिसिप्लिन और नॉर्म्स और एथिक्स में तकलीफ आई, तो 24 घंटे नहीं, 2 घंटे में आपका बिजनेस, आपका फैमिली, सब कुछ चौपट हो सकता है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टूवर्ड्स बेटर लिविंग इज योर ऑनेस्ट एथिकल हार्डवर्क इन योर प्रोफेशन।
देखो पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है, पुरुषार्थ प्रथम बात है व्यवसाय में, पुरुषार्थ टुवर्ड्स बेटर लिविंग के लिए। नॉर्थ अफ्रीका के जंगल में कहावत है कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस द स्लोएस्ट लायन हैज टू रन फास्टर देन द स्लोएस्ट डियर टू सी द इवनिंग, शाम देखने के लिए, एंड द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग। सो वेदर यू आर द लायन और द डियर, when the morning sets in, when the sun rises, you have to run. आप सिंह हैं या हिरण हैं, लेकिन सुबह गिरी दौड़ना तो पड़ेगा, लेकिन वो दौड़ना है वो प्रामाणिकता से और नैतिकता से है। वो disciplines अगर आपने छोड़ दी तो बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती है, आपका पूरा जीवन चौपट हो सकता है, आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो और अगर आप असत्य प्रैक्टिसेस करें तो 7 years रिगरस इंप्रिजनमेंट में है। वे जनाब दिन में 3 बार 3-piece सूट और टाई बदलते थे, आज जेल में प्रिजनर्स के कपड़े पहन के चटाई पे सोते हैं। आप किंग ऑफ द स्काईज हो फिर भी ये परिस्थिति आ सकती है कि आप भारत इंडियन पासपोर्ट बिना छोड़ दे, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको वापस लेने की साजिश चल रही है। अगर वापस आए उनको तो तकलीफ होगी, लेकिन आके यहां मुंह खोलेंगे ना तो और ज्यादा लोगों को तकलीफ होने वाली है। कोई भी हो, आप हजारों परिवार के सहारा हो तो भी आप तिहार में 4 साल बेसहारा रह सकते हो। टुवर्ड्स बेटर लिविंग नहीं, टुवर्ड्स वर्स लिविंग आ जाता है। आप हजारों परिवार के सहारों, आपने घर बना दिए भारत के सब शहर में, लेकिन अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो आप जेल में 4 साल से तिहार में बेसहारा बन के रह सकते हो। 20,000 करोड़ का आदमी है, 20,000 करोड़ का आदमी है, 4 साल से तिहार में है। आप हुएवर यू आर, वट एवर यू आर, इफ यू मिस आउट ऑन एथिक्स, इफ यू मिस आउट ऑन डिसिप्लिन, इफ यू मिस आउट ऑन नॉर्म्स, You can be a loser someday. Jim Collins बहुत बड़े मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स को कहीं बातें पढ़ाते हैं। वे करीबन चार्ज करते हैं फ्रॉम $60,000 टू $1,00,000 फॉर 1 hour ऑफ टॉकिंग। ये मैंने आपको चार्ज बता दिए, कभी आपको उनको यहां आपके मल्टीपल या रीजनल में अगर बुलाना है तो। हम तो बोलने का चार्ज नहीं लेते, हम तो आई कम फ्री, आई एम बीन टॉकिंग सिंस 24 years, आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माई टॉक्स, बराबर है ना। ये तो हमारी एक प्रेम से समाज सेवा, हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से हम करते हैं, टू शेयर बेटर थॉट्स एंड बेटर बिहेवियरल पैटर्न्स एंड टीच देम। लेकिन जिम कॉलिंस जिन्होंने 40 साल से एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन किया है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स जिनकी तनख्वाह कहीं की तो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ की रहती है एनुअल तनख्वाहें, ऐसे लोगों को वे ट्रेन करते हैं, विचार दृढ़ करवाते हैं। तो जो वो लोग जो सामने बैठे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाना है, मैनेजमेंट नहीं सिखाना है, सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई माहिती नहीं देनी है। उन लोग को जो सिखाना है वो नैतिकता का बल देना है, विचार की परिपक्वता देनी है, और यही कहना है कि रिमेन वेडेड टू एथिक्स। जिम कॉलिंस ने पुस्तक लिखा है हाउ द माइटी फॉल, उनके 40 साल के अनुभव के बाद यह पुस्तक उन्होंने लिखा है कि बहुत शक्तिशाली पुरुष थे, ऐसे पुरुष जो अगर पृथ्वी पे पैर रखे तो पृथ्वी ध्रुज उड़ती थी, ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बिजनेसमैन थे, इफ दे स्नीज वॉल स्ट्रीट कैचेस फीवर, ऐसे लोग थे शक्तिशाली, ऐसे लोग थे जो शायद अपने 35th फ्लोर पे ऑफिस में मैनहट्टन में बैठे बैठे फोन पे अफ्रीका की कोई गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते थे, इतने शक्तिशाली पुरुष। वे जमीन पे क्यों आ गए,
चौपट क्यों हो गए, कारकिर्दी क्यों बिगड़ गई, जेल में क्यों गए, बैंकरप्ट क्यों हुए और आज उनका नामो निशान क्यों नहीं है। 300 पेज की ये पुस्तक है, उसमें जिस्ट में एक लाइन उन्होंने लिखी है, मैं उनको सिर्फ शब्दशः नहीं लेकिन अक्षरशः कोट करना चाहूंगा। जिम कॉलिंस ने लिखा है, दिस माइटी पीपल केम क्रैशिंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ वन रीजन, एक ही कारण से। उनके शब्द में बात है, अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट फॉर मोर, मतलब ज्यादा 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 कमाने के लिए, ज्यादा ज्यादा पैसे पाने के लिए, ज्यादा ज्यादा कीर्ति नामना प्रतिष्ठा पाने के लिए इन लोगों ने जीवन में नैतिकता सिद्धांत और मूल्य को बाजू में रख दिया। ये उनका 40 साल का अनुभव है। नैतिकता और सिद्धांत और मूल्य से कोई किसी भी प्रकार की कोई भी संजोगों में कोई भी दिन कोई भी प्रकार का खेल आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी हो कोई भी हो। तो टूवर्ड्स बेटर लिविंग जो हम बात करना चाहते हैं, जो मुख्य विषय है, उस अंतर्गत पहली बात यह है कि आप व्यवसाय में नैतिकता नीतिमत्ता रखना तो ठीक तरह से जीवन चलेगा, क्योंकि वहां तकलीफ आई तो आपके सब रोल में तकलीफ आ जाएगी। इफ देर इज अ प्रॉब्लम इन योर बिजनेस, देर इज अ प्रॉब्लम एज अ फादर, देर इज अ प्रॉब्लम एज अ हस्बैंड, देर इज अ प्रॉब्लम एज अ फ्रेंड, देर इज अ प्रॉब्लम एज अ सन, देर इज अ प्रॉब्लम एज अ ब्रदर, सब रोल में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। लोग मानते हैं ये फ्री वर्ल्ड है, हम भी कहते हैं ये फ्री वर्ल्ड है, लेकिन एक स्टेटमेंट में सिखाता हूं कॉर्पोरेट्स को और बोलता हूं कि आपकी फ्री वर्ल्ड की एंटरटेनमेंट और खुशियां आपकी बॉन्डेड वर्ल्ड में जितनी डिसिप्लिन है उस पर आधारित है। ये वाक्य आप लेके घर जाना, आपके फ्री वर्ल्ड में आपके एंटरटेनमेंट और सब प्रकार की जो खुशियां हैं उसका संपूर्ण आधार किस पे है, आपकी जो बॉन्डेड वर्ल्ड है ना उसमें आपका डिसिप्लिन। ऑल योर जॉयज ऑफ द फ्री वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द डिसिप्लिन इन योर बॉन्डेड वर्ल्ड। तो ये प्रथम बात है। तो जिम कॉलिंस $100,000 चार्ज करते हैं, मतलब समझ लो राउंड फिगर ले लो 60 लाख रुपये, एक मिनट बोलने के 1 लाख रुपये। ये लेके ये चार्ज करके क्या बोलते होंगे, यही जो आप मुफ्त में सुन रहे हो 15 मिनट से, क्योंकि सामने बैठे वाले एग्जीक्यूटिव को यही सिखाना है कि बाकी तो सब आपके पास हैं, आपके पास हार्वर्ड की डबल MBA की डिग्रीज हैं, आपके पास 15 साल का अनुभव है एक MNC का, आप CEO MNC के आप CEO हो, 15-18 हज़ार एम्प्लॉयज़ आपके हाथ के नीचे, दुनिया के 25 देशों में आपका कारोबार चल रहा है, आप प्राइवेट जेट प्राइवेट हेलीकॉप्टर पे एंटाइटल्ड हो, ये सब आपके पास है। अब ये सब छूट ना जाए ना, इसके लिए आपके पास कुछ विचार अब मुझे आज रखने हैं। ये बात जिम कॉलिंस सिखाते हैं, लेकिन वो 3-पीस सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, कॉलर माइक लगा के घूमते घूमते स्टेज पे बात करते हैं, उसके चार्ज चढ़ते हैं। ये भगवे के चार्ज नहीं चढ़ते, बात तो वही करते हैं हम। ये जो सीधा साधा लगता है लेकिन बात तो यही है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टूवर्ड्स बेटर लिविंग इज योर डिसिप्लिन नॉर्म्स एथिक्स एट योर वर्क प्लेस। उसमें एक और भी बात आती है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके दफ्तर में, आपके धंधे पे आपकी स्त्री पुरुष मर्यादा, बहुत कम स्पीकर्स इस विषय पे बात करेंगे, आपने शायद किसी स्पीकर को इस विषय पे सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। पिछले 2 महीने से आप लीडिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में हर रोज एक कथा सुनते होंगे अलग अलग व्यक्ति की कि ये स्त्री पुरुष मर्यादा में, दफ्तर में, काम पे कुछ खामी आई इसलिए उनकी जॉब गई, तनख्वाह गई, स्टॉक्स गए, एडवांटेजेस पर्क सब गए। पिछले 1 महीने में ब्रिटेन गवर्नमेंट के करीबन 10 मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन इसी कारण से देना पड़ा है।
कल परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थेरेसा मे ने उनको सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को मजबूर किया रेजिग्नेशन देने के लिए, क्योंकि इस स्कैंडल में वे आ गए थे। तो जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस एथिक है। हाँ, और इसमें भी गलती की, यू बिकम जीरो फ्रॉम हीरो विद इन सेकेंड्स। मैंने बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं, कम स्पीकर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ये आज बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रोज दो तीन बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव्स आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स एंड बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस। यही वजह से, यही कारण से। विंस्टन का केस सुना, हॉलीवुड का मोगल, हॉलीवुड भी एक भी फिल्म अगर उनके आशीर्वाद न हो तो रिलीज नहीं हो सकती है। विंस्टन, हॉलीवुड मुगल, आज तक उनकी कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस हुई 300 से ज्यादा फिल्म को ग्रैमी या ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है, और 60 से ज्यादा को ऑस्कर और ग्रैमी मिल चुका है। कोई भी नया एक्टर एक्ट्रेस उनके आशीर्वाद के बिना हॉलीवुड में अपनी कारकिर्दी नहीं बना सकते, उनके आशीर्वाद चाहिए। लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बाहर आने लगे, एलिगेशंस चालू हुए, 1, 2, 5, 7, 10, 15, 25, 50 महिला ने आगे आके ये बात की, और उसमें से विश्व में हैशटैग चालू हुआ, हैशटैग मी टू, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। पहली बात तो हॉलीवुड क्लब ने इनको क्लब की मेंबरशिप से निकाल दिया। दूसरी बात ये बनी कि उनको अपनी कंपनी में से रेजिग्नेशन देना पड़ा। अपनी स्थापित हुई कंपनी, अपनी बढ़ाई हुई कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि आपकी वजह से हमारी कीमत कम हो रही है, तो बोर्ड में से निकाल दिया, कंपनी में से निकाल दिया, आपको कल से दफ्तर नहीं आना है। ये दूसरी बात बनी। तीसरी बात ये बनी कि सबने लॉ सूट्स डाले, और अमेरिका में तो इस प्रकार के लॉ सूट्स 4-6 महीने में कंप्लीट होते हैं। तो अभी मार्च और अप्रैल 2018 में सबके जजमेंट्स आएंगे, और $800 मिलियन की उनकी पूरी प्रॉपर्टीज आज ऑन सेल आ गई, सब बिक जाएगी, और ये जनाब मार्च अप्रैल तक रोड पे आ जाएंगे। आज से 2 महीने पहले ही वॉज द मोगल, किंग नहीं, उनको बोलते थे हॉलीवुड मोगल। उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी दृष्टि बिना, हॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म, बिग बजट फिल्म, छोटी मोटी ठीक है, बिग बजट फिल्म रिलीज हो ही नहीं सकती। और हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स अपने जन्मदिन पे उनको मिलने जाते थे, आशीर्वाद देना, ठीक चले हमारा। इतनी बड़ी व्यक्ति मार्च महीने में रोड पे आ जाएगी, ये मर्यादा का भंग हुआ। तो ये भी बहुत जरूरी है टूवर्ड्स बेटर लिविंग। हजारों परिवार में प्रश्न हुए हैं, हजारों परिवार अलग हो गए हैं, हजारों डिवोर्सेस हुए हैं। अमेरिका में जो डिवोर्स के लॉयर्स हैं, उन्होंने ये अभी मीटिंग में, अभी 700 लॉयर्स हुए थे वहां इकट्ठे कॉन्फ्रेंस के लिए, और कंक्लूजन रिपोर्ट में ये बताया कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिवोर्सेस ऑन द मेनलैंड अमेरिका इज इंटरनेट एडिक्शन एंड फ्रेंडशिप्स ऑन इंटरनेट। तो टूवर्ड्स बेटर लिविंग पूरा चौपट हो जाएगा, ये बहुत ख्याल रखना। तुलसीदास जी ने यह बात कहीं सालों पहले बताई है। तुलसीदास जी ने कहा है, परधन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने से हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। अगर तुलसीदास की ये बात सत्यम वालों ने मानी होती तो, परधन पत्थर मानिए, अगर तुलसीदास की ये बात किंगफिशर वाला ने मानी होती तो, परधन पत्थर मानिए, अगर तुलसीदास जी की ये बात सहारा वालों ने मानी होती कि परधन पत्थर मानिए, तो आज ये सब जेल में या भागने की नौबत नहीं आई होगी। और दूसरी बात, पर स्त्री मात समान, ये अगर विंस्टन ने माना होता,
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रेसिडेंट थे डोमिनिक स्ट्रॉस-कैन, ही वॉज अ फ्रेंच मैन पॉपुलरली नोन एज डीएसके. और इनके पास सत्ता कितनी थी, $50 मिलियन की अगर आपको लोन चाहिए तो उनको किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी. एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ही कैन साइन यू अ $50 मिलियन लोन चेक. रोज शाम तक 5-7 प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स उनको फोन करते थे, उनके सेक्रेटरी उनको होल्ड पे रखते थे कि साहब अभी बिजी हैं. बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनको फोन करते, यार एक 200 मिलियन की लोन चाहिए, 800 मिलियन की चाहिए, एक प्रोजेक्ट है. प्रेसिडेंट्स के और प्राइम मिनिस्टर्स के फोन लेने की उनके पास फुर्सत नहीं थी, इतने बड़े व्यक्ति थे. अभी 1.5 साल पहले फ्रांस में पोल हुए, प्रेसिडेंट के चुनाव थे. उसके पहले प्री पोल सर्वे में उन्होंने ही ऑल्सो थ्रू हिज हैट इन द रिंग. तो प्री पोल सर्वे में लैंडस्लाइड विक्ट्री लोगों ने उनको दी कि ये व्यक्ति हमको फ्रांस का प्रेसिडेंट चाहिए. और वे इलेक्शंस में खड़े लेने वाले थे और अगर चुने गए तो IMF की पोस्ट छोड़ के फ्रांस के प्रेसिडेंट बनने वाले थे. एक गलती की, न्यूयॉर्क से निकले लंदन आए और लंदन से जाना था पेरिस, होटल में चेक इन हुए. जो भी घटना बनी होगी, आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, कि कोई मेड थी जो साफ करने के लिए अंदर रूम में गई थी, वो चिल्लाती हुई बाहर निकली, वो कैमरा में आ गई जब लॉबी में बाहर आई होटल में, और उस लेडी ने जाके कहा कि व्हेन इनसाइड द रूम, में रूम के अंदर साफ करने के लिए गई तो DSK ने मुझे फिजिकली अब्यूज किया. उसने जाके कोर्ट में केस डाल दिया. 24 घंटे में IMF ने कहा कि रिजाइन एज प्रेसिडेंट. ये केस आपके सामने हुआ, यू हैव टू रिजाइन एज प्रेसिडेंट. रेजिग्नेशन ले लिया, कोर्ट में केस चला, फिर तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया. लेकिन फिर से प्री पोल सर्वे हुआ, इसमें फ्रांस के लोगों ने उनको तिरस्कार कर दिया कि ये व्यक्ति कैरेक्टर का नहीं है, उसको हमें प्रेसिडेंट नहीं बनाना है. आज डोमिनिक स्ट्रॉस-कैन, जब आज शाम को हम बात कर रहे हैं, तो फॉर्मर USSR की एक छोटी सी कंट्री है, वहां गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं. कहां थे, कहां पहुंचने वाले थे और कहां पहुंच गए. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के प्रेसिडेंट थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट बनने वाले थे और वहां से अभी एक छोटी सी कंट्री के गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर छोटी सी तनख्वाह लेके बैठे. जो व्यक्ति G5, G8, G15, G20 में बैठने वाली थी, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, मैरकल, थेरेसा मे के साथ बैठने वाली थी, वो व्यक्ति गिर गई एक भूल. तो टुवर्ड्स बेटर लिविंग की सब व्याख्या, टुवर्ड्स बेटर लिविंग की सब आपके प्लान्स, अगर आप ये मर्यादा चूक गए तो तकलीफ आएगी. प्रमुख स्वामी महाराज ने 1991 में हमारी संस्था ने अमेरिका में कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया था, बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति का महोत्सव था. यहाँ भारत देश से बड़े बड़े सभी क्षेत्र के वहाँ आते थे, हम उनका सम्मान करते थे. वहाँ अमेरिका के धरती पे पैदा हुए, बड़े हुए और बड़ी सिद्धियाँ हासिल की, इस प्रकार के व्यक्तियों को भी हम सम्मानित करते थे. एग्जीबिशंस थे, ब्यूटीफुल बॉर्डरलेस वर्ल्ड, भारतीय खाना पीना, वेशभूषा, डांसेस, करीबन 20 राज्य के ट्रेडिशनल फोक डांसेस हम करते थे. एक महीने तक ये उत्सव चला था. तब एक राज बोथरा प्रमुख स्वामी महाराज को मिले थे, उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि स्वामी एड्स हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो एड्स रोग हैं, अभी भारत में तो वो इट्स अ ट्रांजिट कंट्री, विक्टिम कंट्री नहीं बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी मेरे अच्छे स्कूल के मित्र थे, उन्होंने मुझे एक सर्वे के लिए बताया है, तो भारत भी भविष्य में विक्टिम कंट्री बनेगी. तो ये एड्स नाबूदी के लिए हम बहुत प्रकार की प्रोजेक्ट्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स करते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं, रिहैब सेंटर्स भी बनाए हैं. बच्चों को बचपन से, मतलब 7th-8th स्टैंडर्ड में आते हैं तो हम लोग ये नॉलेज देते हैं, लेकिन किसी भी तरह से ये रोग पे किसी भी प्रकार का हम संयम नहीं ले पा रहे हैं. तो आपके पास, इसके पास कोई इलाज है कि नहीं,
तब प्रमुख साईं महाराज ने अपने अमृत अनुभव से कहा था कि हमारे भारतीय शास्त्र में गृहस्थ आश्रम के लिखा है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक नर नारायणी, मतलब पुरुष के लिए एक स्त्री और एक स्त्री के लिए एक पुरुष। अगर इससे ज़्यादा आगे बढ़े तो आपका कोई भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होगा पूरे विश्व में, शायद सब लायंस क्लब, सब रोटरी क्लब, सब जेसेस और हमारी जैसी भी कहीं समाज सेवा धर्म संस्था अगर काम करेगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, अगर पृथ्वी पे हर गली हर शेरी में अगर आप एक हॉस्पिटल चालू करोगे तो भी ये रोग काबू में नहीं आएगा। चाहे आप लायंस में से सूरत में और 20 हॉस्पिटल चालू कर दो। तो ये हमारा शास्त्र का ज्ञान है, इससे टुवर्ड्स बेटर लिविंग आता है। तो टुवर्ड्स बेटर लिविंग में फर्स्ट आई टॉक्ड ऑफ एथिक्स एट योर वर्क प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ये ध्यान रखना। फेज टू, दूसरी बात टुवर्ड्स बेटर लिविंग में, कि हर प्रकार का जीवन में अगर छोटा मोटा प्रसंग बने, रिश्तेदारी में बने, मित्रचारी में बने, कोई भी प्रसंग बने, उसमें हमेशा अपना अभिगम पॉजिटिव रखना, ऊंचा रखना और एक्सेप्टेबल रखना। तकलीफ क्या आती है, देखो आज समाज में आप देखते होंगे कि कई प्रकार के लोग हैं वो जिनके पास टैलेंट्स हैं, इंटेलिजेंस है, बैकग्राउंड है, फिर भी कम कामयाब रहते हैं जीवन में। और कहीं लोग ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा कम है या टैलेंट्स कम है, फिर भी कहीं अच्छे कामयाब हो जाते हैं। तो फर्क कहां रहा, फर्क अभिगम में रहा, एटीट्यूड्स में रहा। अगर आपका अभिगम पॉजिटिव है, राइट है, हाई है, तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है, स्थिरता रहती है, संतोष रहता है, एंड यू लीव अ परफेक्ट बैलेंस्ड लाइफ एंड यू गो टुवर्ड्स बेटर लिविंग। तो एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेफ केलर ने एक अच्छा पुस्तक लिखा है, उन्होंने इस विषय पे 14 साल तक रिसर्च किया और उन्होंने ये पुस्तक लिखा है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एवरी वर्किंग पर्सनल मस्ट रीड दिस बुक, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आप अभिगम आपका सर्वस्व है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि अभिगम आपका अच्छा होगा, जो प्रवक्ता ने शुरुआत में बात की थी कि बाय अ गुड एटीट्यूड यू कैन चेंज एन अनफेवरेबल सिचुएशन इनटू अ फेवरेबल वन। सेकंड थिंग, अगर आपका एटीट्यूड सही है तो कहीं प्रकार की आपकी लेटेंट एनर्जीज, जो दबी हुई आपकी एनर्जीज है, टैलेंट्स है, विचार है, वो बाहर आ जाते हैं। तीसरा एक एडवांटेज ये है कि अगर आपका एटीट्यूड सही रहा तो आपको हर दिशा में से, हर वातावरण में से विचार भी अच्छे मिलेंगे और आपके छोटे प्रयत्न से बड़ी सिद्धि भी मिल सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड्स, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू परसीव थिंग्स, हाउ यू लुक एट थिंग्स, हाउ यू लुक एट पीपल। मैं कई बार एक प्रसंग छोटा सा कहता हूं कि यही महीना था 1999 में, 30 दिसंबर थी, भगवान ने 3 लोगों को स्वर्ग में बुलाया। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, द सेकंड इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट इन द अमेरिकन सिस्टम, और तीसरे थे बिल गेट्स, तो सबसे दुनिया के धनाढ्य व्यक्ति हैं। तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया, ये रीडर्स डाइजेस्ट में एक स्टोरी आई थी, और भगवान ने कहा कि मुझे एक बहुत अगत्य की बात आपको करनी है और मैं ये चाहूँगा कि आप तीनों वापस पृथ्वी पे जाके पृथ्वी के लोगों को ये समाचार दें, बिकॉज यू थ्री आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। तीनों ने कहा ठीक है बताएं। फिर भगवान ने कहा कि टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कल मैं पृथ्वी का नाश करने वाला हूँ, आप जाओ और लोगों को बताओ। आए तीनों वापस पृथ्वी पे, प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी पे कैमरा के सामने प्रोटोकॉल के अनुसार प्रथम बिल क्लिंटन पधारे और बिल क्लिंटन ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सम गुड न्यूज एंड देयर इज सम बैड न्यूज।
गुड न्यूज ये है कि मैंने भगवान को देखा, स्वर्ग देखा. एंड द बैड न्यूज इज दैट माय गॉड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टुमारो. कल वो विश्व के नाश करने वाले हैं, बोल के कैमरा से ऑफ हो गए. दूसरी बारी आई प्रोटोकॉल के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल की. उन्होंने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सम बैड न्यूज एंड देयर इज सम गुड न्यूज. क्लिंटन ने क्या कहा था, गुड और बैड? ये जनाब ने क्या कहा कि देयर इज सम बैड न्यूज एंड देयर इज सम गुड न्यूज. द बैड न्यूज इज दैट माय गॉड ही एग्जिस्ट, क्योंकि उनको पता था कि उस वक्त वे इराक में क्या कर रहे हैं. एंड द गुड न्यूज इज दैट अमेरिका इज फिनिशिंग इराक टुमारो. क्यों क्रेडिट ना ले ले, वैसे भी पृथ्वी का नाश होने वाला है, तो अमेरिका इराक साफ कर रहा है कल. एटीट्यूड देखो, अभिगम किस प्रकार कर रहे थे, बात एक ही है, बात एक ही है. किस प्रकार के आपके एटीट्यूड्स हैं, वो आपके शब्द में, आपके प्रेजेंटेशन में बाहर आता है. अब बारी आई इस पृथ्वी पे सबसे श्रूड बिजनेसमैन, इस पृथ्वी ने आज तक ये देखा नहीं है, बिल गेट्स की. आठवीं कक्षा फेल है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट, द रिचेस्ट मैन, सेल्फ मेड मिलियनर, कैमरा के सामने आए और बोले कि लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सम गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज. नो बैड न्यूज, बैड है ही नहीं कुछ पृथ्वी पे, एटीट्यूड ये है, ये सिखाना है. तो सब तो ताजुब रह गए. फिर बिल गेट्स ने हंसते हुए बताया, द गुड न्यूज इज दैट I was selected among the top three in the population of 5.5 billion by God Himself. Credit. See, बात तो वही थी, किस प्रकार का आपका अभिगम है, आप किस प्रकार से ये बात करते हो. So the good news is that I was selected among the top three. And the more good news is that कल Microsoft Y2K के problem solve कर रहा है. जो साल 2000 जब आती थी तब टेंशन ये था कि सॉफ्टवेयर है वो पिछले दो जीरो लेगा कि नहीं, तो उसको बोलते थे Y2K के प्रॉब्लम, ईयर 2000 प्रॉब्लम. तो बोले कि माइक्रोसॉफ्ट कल सॉल्यूशन ला देगी इसका, वैसे भी पूरी पृथ्वी का सॉल्यूशन आने वाला है. बात वही थी, लेकिन बिल क्लिंटन ने कुछ बताई, कॉलिन पॉवेल ने कुछ बताई और बिल गेट्स ने कुछ और बात की. बिल गेट्स ने यह कहा, देयर इज गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज. तो यही बात सीख के आप जाना कि जीवन में जो भी घटना बने, देयर इज ऑलवेज गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज, देयर इज नो बैड न्यूज. एनीथिंग दैट इज हैपनिंग विथ यू इज ऑलवेज गुड. ये अभिगम अगर आप रखेंगे ना, तो उस गंभीर परिस्थिति में से जल्दी बाहर आ जाएंगे, उस विकट संजोग में से आपको कुछ अच्छा रास्ता मिल जाएगा, वो प्रतिकूल परिस्थिति में आपके मन में अच्छे विचार आएंगे. बेसिकली तो वो चाहिए ना, मुझे क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं होना था, मैंने तो अच्छा ही किया था, फिर भी ये परिस्थिति कैसे खड़ी हुई, मुझे तो उसको मदद करने की इच्छा थी लेकिन उसने ये मुझे ये किया. रोते रोते तो सब जीते हैं. आपके जीवन में जो गंभीर परिस्थिति, विकट प्रतिकूल परिस्थिति आई, वो नहीं आनी थी बराबर, लेकिन अब आ गई, अब क्या करोगे बोलो, रोना है या हंसना है, चॉइस इज योर्स, दैट इज कॉल्ड टुवर्ड्स बेटर लिविंग. बैठ जाना है या चलते रहना है, चॉइस इज योर्स. डिप्रेशन में चले जाना है या बड़े उत्साह से और आगे काम करना है, चॉइस इज योर्स. परिस्थिति तो आएगी, नेगेटिविटी आएगी, फेलियर्स, सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट, नोबडी इज एन एक्सेप्शन. लेकिन वहां से आप कितने जल्दी बाहर आ सकते हो, उस वक्त आपने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को किस अच्छी तरह से संभाला, दैट मेक्स यू अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, दैट इज बेटर लिविंग. तो इस विचार से महापुरुष जीते हैं. मैंने 1000 से ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम अब्राहम लिंकन टू जॉर्ज वॉशिंगटन टू विंस्टन चर्चिल टू नेल्सन मंडेला टू सचिन तेंदुलकर.
1000 जीवन चरित्र के सारांश रूप एक वाक्य अगर आपको कहना है तो मैं ये कहूंगा कि ये लोगों के जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थिति, जिस परिस्थिति को अगर वही सत्य स्वरूप में वे स्वीकार ले तो तुरंत डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं किया। कम वॉट मे, व्हेन द सन राइजेस आई विल रन, जब सूर्योदय होगा तब मैं दौड़ना चालू कर दूंगा। तो दैट इज ह्यूमन लिविंग। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में आपको कुछ ये बात करनी है इस विषय पे। आप सबने प्रमुख स्वामी महाराज का नाम सुना होगा या उनके दर्शन किए होंगे। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू मेट प्रमुख स्वामी और हैड हिज पर्सनल दर्शन। सभी ने। बहुत बड़े महापुरुष इस पृथ्वी पे हो गए। अभी पिछले साल ही वे स्वधाम पधारे एट द एज ऑफ 95। मैं सिर्फ दो वाक्य में उनके स्टैटिस्टिक्स, उनके जीवन में उनके कई स्टैटिस्टिक्स कहना चाहूंगा। ही वॉज अ वन मैन आर्मी, ही वॉज अ वन मैन ऑर्गेनाइजेशन, और जिन्होंने हमारी ये BAPS संस्था खड़ी की। आपने अडाजन में हमारा कैंपस देखा होगा, मंदिर देखा होगा, पीछे हमारी बड़ी हॉस्पिटल है, बाजू में हमारी बड़ी हॉस्टल है, देखा होगा। ऐसे छोटे मोटे 1500 कैंपस प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वयं खड़े किए और सफल संचालन किया। वन मैन ऑर्गेनाइजेशन, 1500 सच कैंपसेस हैं, उसमें 150 से भी ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस। प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव में व्यक्तिगत गए, जो कम्युनिटी आउटरीच आप बोलते हो, जनसंपर्क बोलते हो, रूरल एरियाज में काम जाके वहां प्रोजेक्ट करना बोलते हो। प्रमुख स्वामी की उम्र जब 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी, 82 थी, तब हमने प्रमुख स्वामी महाराज को रात को 11 बजे 12 बजे डीप आदिवासी पॉकेट्स में, हटमेंट्स में जाके लोगों को नैतिकता, व्यसन मुक्ति सिखाते हुए अपनी आंखों से देखे हैं। क्या पुरुषार्थ! जिस पुरुषार्थ से पैसे मिलती है वो पुरुषार्थ करने का तो सुबह से आनंद आता है। धंधा अच्छा चलता है इसलिए एनजीओ में आनंद आता है। फुल टाइम एनजीओ में रहना वो एक अलग बात है, वो हमको पूछना वो क्या है, इज अ डिफरेंट लाइफ। दिन में 8-10 घंटा पैसे का व्यवहार चलता है, लोग मिलते हैं, मान देते हैं, इसलिए शाम को जरा एक घंटा सेवा करना मजा आता है। पूरे दिन अगर सेवा की बात आ गई तो वो एक अलग जीवन है। प्रमुख स्वामी महाराज ने फुल टाइम जॉब ये की। ही लिव्ड 80 ईयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ। अपने हाथों से 7.5 लाख पत्रों पढ़ के उत्तर दिए हैं उन्होंने। एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ आंसरिंग 70 लेटर्स अ डे फॉर 45 ईयर्स विदाउट अ संडे। आप कल सुबह ऑफिस जाएंगे, मेल बॉक्स खोलेंगे और 10-15 मेल आप देखेंगे तो पहला विचार यह है कि माय गॉड, लंच का समय पूरा हो गया। 70 लेटर्स, लोग प्रश्न पूछते थे, डिसीशंस मांगते थे, घर चेंज करके सूरत से बड़ौदा जाओ या नहीं, लड़की को अमेरिका के शादी के लिए भेजू के नहीं, ये फ्रेंड के साथ ये बिजनेस चालू करना इसलिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो नौकरी में छोड़ दूँ या नहीं। जो डिसीशन हम लोग यहाँ बैठे अपने जीवन में 5-6 अगत्य के डिसीशंस होते हैं इस प्रकार के, रोज 70 डिसीशंस बाय लेटर्स, 25 डिसीशंस बाय फोन कॉल्स एंड 500 डिसीशंस बाय पर्सनल मीटिंग प्रमुख स्वामी यूज टू गिव फॉर 45 ईयर्स। कितनी बड़ी जिम्मेदारी! जैसे हम आपके कार्यक्रम में आए, किसी के ऑफिस घर जाते थे, 3.5 लाख से ज्यादा होम ऑफिस फैक्ट्रीज व्यक्तिगत गए और हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी प्रमुख स्वामी महाराज ने। उनमें से 750 से भी ज्यादा संत डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। हमारे 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन है और 50 से भी ज्यादा संत स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन में पढ़े हुए हैं। हमारे कई संत हैं वो $1,00,000, $1.5 लाख, $2 लाख की तनख्वाह छोड़ के साधु हुए हैं। और हमारे यहाँ 21 साल पूर्ण हो उसके बाद ही दीक्षा मिलती है और दीक्षा के वक्त परमिशन फॉर्म फादर और मदर दोनों साइन करते हैं, उसी वक्त उसके बाद ही मिलती है। सो इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। तो ये पूरी सिस्टम प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी की। आपने गांधीनगर या दिल्ली में अक्षरधाम देखा होगा,
दिल्ली का देखा है, मोस्ट ऑफ यू, उससे भी दो गुना बड़ा अभी अमेरिका में बन रहा है, जो 2020 में लाभ पांचम के दिन सुबह हम उद्घाटित करेंगे. वॉट इज मैक्का टू मुस्लिम्स एंड वॉट इज रोम टू कैथोलिक्स वुड बी अक्षरधाम अमेरिका फॉर हिंदूज. ऐसा कार्य प्रमुख स्वामी ने किया. लेकिन आज इस प्रवचन में, इस प्रसंग पे, उनके जीवन के थोड़े एटीट्यूड्स हमें सीखना है. इसलिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड उनका कहा. उनके जीवन के थोड़े अभिगम बहुत अच्छे हैं, जिससे हम बहुत सुखी रह सकते हैं और हमारा जीवन उन्नत बन सकता है. प्रमुख स्वामी महाराज फार्गो गाड़ी में ट्रैवल करते थे 70s में. 3 एक्सीडेंट हुए एक साल में. किसी ने कहा कि ये इट इज़ अ बैड ओमेन, ये गाड़ी निकाल देनी चाहिए, ये अपशुकनियाल है. प्रमुख स्वामी ने कहा यह बहुत शुकन्यावान है. शुकन्याल है क्योंकि 3 एक्सीडेंट हुए लेकिन कोई मरा तो नहीं. अभिगम. प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में थे, एक छोटे से रूम में बैठे थे. किसी ने कहा कि स्वामी ये रूम बहुत छोटा है. प्रमुख स्वामी ने कहा छोटा अच्छा, का पावर कम बिगड़ता है. एक वीक के बाद वे टोरंटो थे कनाडा में, रूम बड़ी थी. किसी ने कहा कि स्वामी ये बड़े रूम अच्छे होते हैं, बड़े रूम चाहिए. प्रमुख स्वामी ने कहा बड़े रूम अच्छे होते हैं, ज़्यादा लोग साथ में बैठ सकते. फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज. आज बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज जिम कॉलिंस, कैन ब्लैंचार्ड, स्टीफन कोवी, ऑग मैंडिनो, एंथनी रॉबिन्स, रॉबिन स्मिथ, ये टॉप मैनेजमेंट गुरुज हैं. वे बड़े बड़े ऑफिसर्स एग्जीक्यूटिव्स को यही सिखाते हैं. इंटेलिजेंस की नई व्याख्या बनी है आज, और वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इज इंटेलिजेंस. बुद्धिमत्ता क्या है? आप परिस्थिति को अनुकूल हो जाओ, व्यक्ति को अनुकूल हो जाओ और काम निपटा लो, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस. आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो ना हो, बैकग्राउंड रिसोर्सेज हो ना हो, लेकिन अगर आप परिस्थिति और व्यक्ति को अनुकूल होके कॉमन प्लेटफॉर्म और CMP पे आ जाओ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आ जाओ और अच्छा काम निपटा लो, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. सो फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इज इंटेलिजेंस. तो इससे हमें यह सीखना है कि मुझे घर में और दफ्तर में और यहाँ क्लब की प्रवृत्ति में इसी प्रकार के विचार चाहिए, यही करना है, यही व्यवस्था चाहिए. ये जरा ग्रिप थोड़ी लूज कर देना. तो प्रमुख स्वामी अपने अभिगम से यह सिखाते थे. एक दूसरा उनका अभिगम बहुत अच्छा था. किसी ने आपको गधा कहा. हाउ मच टाइम आई हैव? कितना समय है? 5-10 मिनट. ओके. तो किसी ने आपको गधा कहा तो आपको बुरा लगता है? किसी ने गाली दी? प्रमुख स्वामी कहते थे कि अगर किसी ने आपको गधा कहा, ये अपने जीवन पे से उन्होंने उपदेश दिया है. प्रमुख स्वामी के भव्य सम्मान देश प्रदेश में हुए, कैनेडियन पार्लियामेंट, केनियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान हुआ है उनका. अमेरिका में 40 से ज्यादा शहर की उनकी की टू द सिटीज उनको मिली है. और उनके भयंकर अपमान भी अज्ञात लोगों ने किए हैं. दोनों परिस्थिति में हमने उनको स्थिर देखा है. दिस इज कॉल्ड बेटर लिविंग. तो वे ये कहते थे कि किसी ने आपको गधा कहा तो उस वक्त और कुछ करना नहीं है, आंख बंद करके इतना ही देख लेना है कि सफेद चमड़ी है मुझे नहीं है, लंबे कान है नहीं है, चार पैर है नहीं है, पीछे पूछ है नहीं है, बस. तो फिर मैं गधा नहीं हूं. इतना ही सोचना है. दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिग्निफाइड लिविंग. बोलने वाले तो कम नहीं है समाज में, अटैक तो चालू रहेगा, आपकी डिफेंस सिस्टम आपको स्ट्रांग करनी है. दिस इज कॉल्ड बेटर लिविंग. चलो, आपका नाम राजेंद्र भाई है, मैं आपके सामने देख के बोलूं कि जरा अखिलेश प्लीज कम हियर, तो आप क्या कहेंगे? मैं अखिलेश नहीं उतना कहेंगे ना. प्रमुख स्वामी ये अभिगम सिखाते थे कि किसी ने आपको गधा कहा तो इतना ही कहना है कि भाई मैं मनुष्य हूं, मैं गधा नहीं हूं. डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग चाहिए. प्रमुख स्वामी कहते थे कि किसी ने आपको गधा कहा तब आप गधे नहीं बने. व्हेन यू रोल्ड योर स्लीव्स, मुझे गधा कहा, चलो अब बना, प्रतिकार दिया ना, तब बने आप. तो इस प्रकार के थोड़े एटीट्यूड्स जीवन में दृढ़ करने हैं. अभिगम
जीवन में दृढ़ करने हैं, वरना क्या होगा, आप छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाएंगे, छोटी छोटी बात में आपका मूड डाउन हो जाता है, होता है कि नहीं, दिन में 10 बार होता है, हाँ या ना? हम इतने माइंड्स हमारे इतने वीक चीप और मीन होते हैं कि हम छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप यहां बैठे, आपने अपने अपने चॉइस के कपड़े पहने, लेकिन अगर आपका मूड डाउन करना है, मैं 3 व्यक्ति को आपके पास भेजूं 5-5 मिनट के अंतर में, पहला व्यक्ति आपको कहेगा कि ये क्या तो पहन के आए यार इधर, 5 मिनट के बाद दूसरा व्यक्ति आपके पास आएगा कि ये काला, ये लाल और ये कैसा कॉम्बिनेशन तूने रखा है यार आज, 5 मिनट के बाद तीसरा व्यक्ति आएगा, दिस डजंट सूट द ओकेजन, आप पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, देखना हुआ है ऐसा। ये अब प्रयोग तो मैंने सिर्फ थियोरेटिकल किया, कभी प्रैक्टिकल मत करना, क्योंकि लोगों के माइंड बहुत चीप और वीक होते हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे वे। तो अभिगम ये रखना है, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड ऑन पेटी थिंग्स, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब मत हो जाना, वरना यू डोंट लीव अ डिग्निफाइड लाइफ, यू डोंट लीव अ बेटर लाइफ। और आखिरी बात ये करनी है कि टूवर्ड्स बेटर लिविंग में जितना आप व्यवसाय को प्राधान्य देते हो, उतना सर्विस और फैमिली को भी प्राधान्य देना। आप सर्विस को देते हो निस्वार्थ भाव से, लायंस क्लब सब सर्विसेज करती हैं, हम सबको अंतर से आप लोगों के प्रति बहुत आदर है, क्योंकि मैं तो 100 से ज़्यादा लायंस क्लब के फंक्शन में देश प्रदेश में गया हूँ, और जिस प्रकार की प्रवृत्ति लायंस क्लब कर रही है, हैट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ सैल्यूटेशंस। और लोग चाहिए, और क्लब्स चाहिए, तो सर्विस को जीवन में प्राधान्य देना, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट व्हेन यू डाई इज द एक्स्ट्रा वर्क यू डिड यू शुडंट हैव डन। उससे तो अमेरिका में एक क्लब चालू हुई है, मिलियनर क्लब है, उसके क्लब के मेंबरशिप के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होने चाहिए, यू शुड बी अ मिलियनर। लेकिन उसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपनी इनकम या अपनी एसेट्स या अपने बैंक अकाउंट्स, मतलब टोटल प्रॉस्पेरिटी के 90% आप डोनेट करने का प्लेज लो, वो प्राइमरी मेंबरशिप के फॉर्म में आपको भरना पड़ता है, और उसी वक्त 10% इनकम का चेक दे देना पड़ता है फॉर अ गुड कॉज। वे लोग ये मानते हैं कि आपके बच्चों के लिए सिर्फ आप इतना ही छोड़े कि वो एक छोटा सा व्यवसाय चालू कर सके, इतना मत छोड़ना कि आपके जाने के बाद या उसके पास जब व्यवस्था हाथ में आ गई तब वो ऐश आराम करे, क्लब में जिए और आपके सब पैसे उड़ा दे, इतना ही आपको छोड़ना है। तो देखो, सर्विस को प्राधान्य है। बिल गेट्स ने कितना दे दिया, वॉरेन बफेट ने कितना दे दिया, जैकी चैन ने कितना दे दिया, और हम लोग तो 25 साल से ये धन का त्याग रख के चलते, अब पता चला कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द 21st century इज दैट वी हैव गिवन मोर पावर टू मनी देन इट एक्चुअली डिजर्व्स। वी हैव गिवन मोर पावर टू मनी देन इट एक्चुअली डिजर्व्स। पैसे की जितनी हैसियत है उससे ज्यादा हमने उनको सत्ता दे रखी है। वी डिसाइड रिलेशनशिप्स बाय मनी, वी टेक डिसीजंस बाय मनी, वी जज ईच अदर बाय मनी, यस और नो? तो दिस इज नॉट गुड लिविंग। कहां रविशंकर महाराज के पास पैसे थे, प्रमुख साईं महाराज के पास कोई एक बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन आज करोड़ों लोग के हृदय में बैठकर करोड़ों लोग उनके प्रति आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो सर्विस, सेवा भावना ज्यादा रखना, उससे आनंद आएगा, संतोष मिलेगा, एंड यू वुड फील दैट आई हैव लिव्ड माय लाइफ। और इसी सिलसिले में जो आखिरी मुद्दा कहना है वो अपना परिवार, व्यवसाय का भी ध्यान रखना, सेवा का भी ध्यान रखना, और परिवार का भी ध्यान रखना। उसके लिए परिवार में बच्चों को संस्कारित करना। आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को श्रवण, प्रहलाद, नचिकेत और ध्रुव की बात की है, उंगली ऊंची करें, फेथफुली। हाँ, आधे से भी कम है। देखो,
स्टीव जॉब्स कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है, ये सब वे मीडिया से जान जाएंगे। लेकिन श्रवण प्रहलाद नचिकेता ध्रुव की बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्युलर एजुकेशन में ये नहीं आएंगे। अगर आ गए तो बोलेंगे कि यू आर सेफ्रनाइजिंग योर एजुकेशन सिस्टम। अगर श्रवण की बात आपने उसको की है तो वो बड़ा होगा, जब आप बीमार होंगे तब पैर दबाएगा, वरना गला तो है ही। देखो एक ने दबा दिया, 12,000 करोड़ का एम्पायर था, पिता ने पुत्र को 12,000 करोड़ का एम्पायर भेंट में दिया। नाम याद आ गया सबको? और उस व्यक्ति ने अपने पिता की क्या हालत की, एक 2-bedroom हॉल किचन के फ्लैट में साउथ मुंबई में रेंटेड फ्लैट में धकेल दिया, एक हुंडई गाड़ी छोटी सी सेकंड हैंड दे दी। उसकी वीडियो वायरल हुई थी व्हाट्सएप पे, आपने देखा होगा। बहुत बड़ा धंधा दे दिया उस कंपनी का, जो ब्रांड नेम है उसके उसके पीछे नीचे एक सबटाइटल लिखा है, द कंप्लीट जेंटलमैन, देखना। लेकिन वो बनाने वाला जेंटलमैन नहीं बना। उस कंपनी के ब्रांड नेम के नीचे एक सब स्लोगन लिखा है, द कंप्लीट मैन, लेकिन तू इनकंप्लीट रहा। तो बच्चों को संस्कारित करना, द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज टू गिफ्ट एंड इम्बाइब कैरेक्टर इन योर चिल्ड्रन। आप अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छा पैसा देंगे, लेकिन हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज एक बात कहा करते थे, आई एम कोटिंग हिम वर्ड टू वर्ड, वे कहते थे कि अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो एक दिन आपकी संपत्ति और संतति दोनों चली जाएगी। देखो चली गई, ये तो एक प्रसंग बना है, हजारों बने हैं। आज आप अपने बच्चों को मॉल में ले जाना, थिएटर में भी ले जाते हो, शॉपिंग और ट्रिप के लिए भी ले जाते हो, हॉलीडेज में पिकनिक और टूर पे भी ले जाते हो, ले जाना। लेकिन कभी उसको अनाथ आश्रम में भी ले जाना, हॉस्पिटल में भी ले जाना और मंदिर में भी लेके कभी आना। सो ही डेवलप्स अ बैलेंस कैरेक्टर इन हिज लाइफ, ये जरूरी है। इसके लिए हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि रोज शाम को 20 मिनट के लिए घर सभा करना, आई एम फिनिशिंग इन 2 मिनट्स, रोज शाम को 10-20 मिनट के लिए घर सभा करना। यह मैसेज मुझे आपको सबको देना है, 20 मिनट्स ऑफ स्पिरिचुअल सेशन एवरी डे विथ ऑल योर फैमिली मेंबर्स। और उसमें क्या करना है, प्रथम 5 मिनट आपको भगवान का नाम स्मरण करना है, दूसरी 10 मिनट आपको रामायण या महाभारत ऐसे पवित्र ग्रंथ पढ़ के थोड़ी चर्चा करनी है, एंड द थर्ड 5 मिनट्स इज यू शेयर द डेज हैपनिंग्स। इनको प्रमुख साईं महाराज घर सभा कहते थे। अपने अमृत अनुभव से उन्होंने कहा है कि घर सभा से विश्व शांति होगी, बिकॉज कैरेक्टर ऑफ अ मैन, द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर गिव्स हार्मनी इन द हाउस, हार्मनी इन द हाउसेस gives order and structure in the society. Ordered and structured societies make a nation great, and great nations come together to make a peaceful world. ये क्रम है, तो चारित्र से विश्व शांति। आप बोलेंगे कि स्वामी आप तो साधु हैं, आपने भगवान में श्रद्धा और भगवान के नाम स्मरण की बात की है। I am also man of science, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद दीक्षा ली, तो मुझे दोनों का अनुभव है। 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट हुए हैं, किस विषय पे, कि जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान को नित्य प्रार्थना, और जो भी भगवान के स्वरूप में आप मानते हो उनका नाम स्मरण से आपके फिजिकल मेंटल और इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। 50,000 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश हुए हैं, तो सिर्फ ये हमारे शास्त्रों की बात नहीं है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, क्लिनिकली प्रूव्ड। मैं आपको एक प्रसंग बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया की आप वेबसाइट खोलना, वहां एक रिसर्च हुई है, दो प्रोफेसर्स थे, मैं उनका नाम आपको देता हूं, प्रोफेसर एच जी कोइंग और प्रोफेसर एंड्रयू न्यूबर्ग। ये दोनों प्रोफेसर्स ने रिसर्च की भगवान के नाम स्मरण के, 4,000 लोगों को इकट्ठा किया, 4 ग्रुप बनाए, 1,000-1,000 के 4 ग्रुप, और उनको 12 मिनट तक नाम स्मरण करवाया। उसके पहले उनके MRIs किए, माइंड मैपिंग किया,
और MRSB ये जो होते हैं मेडिकली हॉस्पिटल में होते हैं वो नहीं, स्पेशल सॉफ्टवेयर से सो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक स्टेटस पता चलता है। पहले 1000 जो लोग थे उनकी एज ग्रुप थी 4 to 12, दूसरे 1000 थे वो 12 to 22, तीसरे 1000 थे तो वो 22 to 60 वर्किंग एज, और चौथे 1000 थे वो 60 to 80 ओल्ड एज। और उनको कहा कि नाउ यू गो बैक टू योर होम, क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, क्रॉस सेक्शन कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन सबके थे। 8 वीक तक आपको यह प्रयोग करना है, रोज 12 मिनट भगवान का नाम स्मरण बैठ के करना है। 8 वीक के बाद सबको वापस बुलाएं, फिर से सबको 2 एक्सपेरिमेंट करके फिर से सबका माइंड मैपिंग किया और MRIs किए, और कंक्लूजन रिपोर्ट आप यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया पे देख लेना। कंक्लूडिंग रिपोर्ट ये आया कि जो बच्चे थे 4 साल से 12 साल के, उन्होंने नित्य नाम स्मरण किया तो उनके मेमोरी पावर में 15 to 19% इंक्रीज हुआ। तो ये टूवर्ड्स बेटर लिविंग की बात है कि नहीं? आपके बच्चे के मेमोरी पावर अगर 15 to 19% बढ़ गया, इज इट एडवांटेजियस और नॉट? दूसरा जो एज ग्रुप था दैट वाज फ्रॉम 12 to 22, उनको ये लाभ मिला कि उनका विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया फ्रॉम 5 to 9%। तीसरा जो ग्रुप था जो 22 to 60 जो वर्किंग ग्रुप था, उनका बफर कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। 22 से 60 की उम्र में ही शॉक्स आते हैं ना, सब फैमिली में या पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में आते हैं, सबको आते हैं। तो शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जिसको बफर कैपेसिटी बोलते हैं वो बढ़ गई, ये भी बड़ा टूवर्ड्स बेटर लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो ग्रुप था फ्रॉम 60 to 80 जो बुढ़े थे, उनको इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति 5 to 9% बढ़ गई, ये बेटर लिविंग के लिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं? अगर भगवान के नाम स्मरण से, ये यूनिवर्सिटी और फिलाडेल्फिया के रिसर्च में पता चला कि भगवान के नाम स्मरण से आपके मेमोरी पावर अच्छी होती है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी बफर कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, तो ये लाभ लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये बात सही है। टूवर्ड्स बेटर के लिविंग के लिए थोड़ी स्पिरिचुअल बेंड ऑफ लाइफ रखना। कई बार मैं बोलता हूँ SNS, सर्विस एंड स्पिरिचुअलिटी, दो साथ में चलनी चाहिए। और रामायण और महाभारत जो मैंने बोला कि 10 मिनट आप पढ़ना, मैं आपको चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं, आप घर जाके अंतर्दृष्टि करना कि आपके जीवन में आज तक जितने प्रसंग बने हैं, अभी बन रहे हैं, भविष्य में बनेंगे, उसमें से कोई भी एक प्रसंग आप उठा लेना, वो प्रसंग रामायण या महाभारत में बना होगा, देख लेना। सीधा आपको काउंसलिंग और गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरह से मुझे वर्ताव रखना है, क्या करना है, क्या सोचना है। कम से कम इतना तो पता चलेगा कि आपके घर में जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसमें आप दशरथ हैं, वाल्मीकि हैं, या राम हैं, कैकेयी है, या मंथरा है, इतना तो आपको पता चलेगा। और मैनेजमेंट वाले ये सिखाते हैं, इफ यू नो योर रोल इन द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व। कोई भी प्रश्न में अगर आपको अपना रोल पता है ना कि मैं ये प्रॉब्लम में दशरथ हूं या एक्चुअली मंथरा बन के जी रहा हूं, मैंने ये प्रॉब्लम चालू किया है घर में, तो प्रॉब्लम विल बी हाफ सॉल्व। तो इतनी बात है टूवर्ड्स बेटर लिविंग के लिए प्रामाणिक नैतिक पुरुषार्थ अपने व्यवसाय में, नीतिमत्ता एथिक्स कभी मत छोड़ना। दूसरी बात है जीवन में सेवा तन मन धन से जितनी भी हो सके करना, और तीसरी बात है परिवार के लिए समय देके शिक्षण के साथ संस्कार भी प्रदान करना, देन यू विल क्रिएट अ ग्रेट नेशन, यू विल क्रिएट अ ग्रेट वर्ल्ड। तो आज आप सबके लिए हम भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि हमारे सबके जीवन में इस प्रकार के वर्तन की प्रेरणा अपने विचार से दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। हम सब यहाँ आगेवान यहाँ बैठे हैं, लायंस क्लब के अधिकारी सब बैठे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके सब प्रोजेक्ट्स में आपको 200% सक्सेस मिले, ऐसी हम प्रार्थना और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और आखिरी एक बात ये करनी है कि सब उनको साथ देना,
ये चापलोत जी जो यहाँ बैठे वो मेरे कैंप के नहीं है. पता चला मैं क्या बोला? ही इज नॉट फ्रॉम माई ग्रुप. सो इस वक्त मुझे जरा लाइन, मैं एक्टिविटी करूंगा लेकिन आज तक की है, लेकिन अगले साल करूंगा. ये साल जरा मजा नहीं आएगी क्योंकि हमारे क्लब का प्रेसिडेंट है वो मेरे ग्रुप का नहीं है. एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपने लायन का बैच पहना है, आप लायन नहीं बने. अगर इफ यू आर अ ट्रू लायन, एनी प्रेसिडेंट यू हैव टू वर्क, एनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यू हैव टू वर्क. हम लोग इस दृढ़ता से संस्था में जुड़े हुए हैं. जो समय पे जो भी सेवा मिली, प्रेसिडेंट का फोन आया कि कल ये संडे को प्रोजेक्ट है, रूलर में जाना है, यहां से 100 किलोमीटर दूर जाना है. तो बोलेगा फोन पे, हाँ जरूर आएंगे. और दूसरे दिन फोन करेगा कि मुझे तो आना था लेकिन अर्जेंट काम आ गया. क्यों? वो रूलर में प्रोजेक्ट था और वराछा में नहीं था, वहां प्रेस आने वाली नहीं थी, यहां तो प्रेस वाले थे, फोटोग्राफ आने वाला था, इसलिए यहां जरा ज्यादा मजा आती है काम करने में. और फोटोग्राफर जब आते तब सब एक फ्रेम में घुसने का प्रयत्न करते, देखना. When you remove the frame from your mind, you will be able to work better. ये निकाल देना और पूरा सहकार देना. ये आखिरी एक विनंती है. यहां से जो भी निर्णय लिए जाए आपके आगेवान, एक एक ईयर की सबकी टर्म रहती है, बहुत जल्दी मत करना कि उस कुर्सी से इस कुर्सी पे आ जाओ. उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत मत करना. सबको चांस मिलता है. मिलता है ना? मिलेगा. आज तक मिला है और आगे मिलते रहेगा. एज अ लायन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी इस वक्त जो टीम बैठी है उसको पूर्ण सहकार देना, उसके सब निर्णय को 100% स्वीकारना और कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी बात नहीं करना. ये आपकी जिम्मेदारी है तो आपका ग्रोथ अच्छा बनेगा. हम हमारे संप्रदाय में हमारे स्वयंसेवक को ये सिखाते हैं. तो ये बहुत जरूरी है. तो आप सबके लिए प्रार्थना है, बी अ मोर बेटर लायन एंड दस बी अ ग्रेट ह्यूमन बींग. थैंक यू वेरी मच और जय स्वामी नारायण.